अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वक्त आप भी हमारे साथ हैं और हम जो हैं ढूंढ रहे हैं, हम ऑफ शारा इराक हम टर्न किए हैं और हम ढूंढ रहे हैं एक ख़ास बेकरी। ये बेकरी बहुत ही ख़ास है क्योंकि आजकल जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो उन दिनों गुड फ्राइडे का टाइम था और ये बेकरी जो है गुड फ्राइडे के कुछ एक दो हफ्ते के अराउंड हॉट क्रॉस बंस बनाती है। हमें किसी ने निशानी ये दी थी कि ये जो बोरा कम्युनिटी का जमात खाना है इसके सामने जो गली खुलती है इसमें टर्न करें तो आपको ये बेकरी मिल जाएगी। तो हम इसी तरफ मुड़ गए हैं और काफ़ी ये तंग गलियां हैं, बंद हैं, मगर सुना है कि गुड फ्राइडे से दो दिन पहले यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। लास्ट ईयर तो मैंने भी देखी थी, फिर मैं फिर भूल गई थी, वो दिन के वक्त आई थी, रात को रास्ता नहीं मिल रहा था, मगर अब हमको रोशनी में दूर उसके नाम जो है लिखा हुआ नज़र आ गया तो हम सही जगह पहुँचे हैं। ये बेकरी बहुत बहुत पुरानी है, आपको पहले बेकरी तक पहुँच जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। ये इस बेकरी का नाम मिस्किटा बेकरी से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि शायद ये क्रिश्चियंस चला रहे हैं या वो इसको ओन करते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये बेकरी जो है ये एक मुस्लिम फैमिली चलाती है और ये फैमिली जो है इनके जो सबसे बड़े हैं उनका नाम मोहम्मद आसिफ अब्बास जैदी है। उन्होंने बहुत साल पहले मिस्किटा फैमिली से ये बेकरी ख़रीद ली थी जब वो जाना चाह रहे थे, उनके फैमिली मेंबर्स कुछ जो लोग चलाने वाले थे बेकरी वो लोग जो हैं वो जाना चाह रहे थे, उनके फादर की डेथ हो गई थी तो वो लोग जो हैं इन्होंने इनसे बाय कर ली। उस वक्त ये कहीं और थी, ट्रामपट्टा एक जगह कहते हैं वहाँ। अच्छा, ये जो आप इन साहब को देख रहे हैं ये जो हैं ये आसिफ अब्बास जैदी के ग्रैंडसन हैं, इनका नाम अहमद अब्बास है। अहमद अब्बास आजकल किचन वगैरह जो है इसमें सुपरवाइज करते हैं, मगर ये जो बन है ये एक एक बन इनके दादा ने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स से बनाया है और वो हर वक्त रात को 2 बजे आके ये बना लेते हैं और फिर ये लोग उनको सॉर्ट आउट करते हैं और बेचते हैं। और दादा अब्बा ने इसका जो सीक्रेट जो है पूरी रेसिपी अभी तक अपने बेटे को, जो ये तो ग्रैंडसन है, जो इनके बेटे हैं हैदर अब्बास जैदी, उन तक को नहीं बताया है। इतने सीक्रेट हैं ये इंग्रेडिएंट्स। और जो गुड फ्राइडे का टाइम और उससे दो दिन पहले से ये बुक होने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे लोगों की, क्रिश्चियन कम्युनिटी की इतनी लंबी लाइन होती है और वो धूप में गर्मी में खड़े होते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, द हॉट क्रॉस बंस आर वर्थ इट। ये हैं हैदर अब्बास जैदी जो दादा अब्बा उनके बेटे, तो ये बेकरी चला रहे हैं। इन तक के पास पूरे इन्ग्रीडियंट्स सीक्रेट रेसिपी नहीं है। और ये जो है बेकरी जब बिकी थी तो बहुत ये पुरानी बात है, उस वक्त जो लोग इसके जो रियल ओनर थे उनका नाम था जोसेफ काजेटान मिस्किटा और उनके बेटे जो थे मैनुअल मिस्किटा वो जो है 1945 में कराची के मेयर भी रह चुके हैं। और आजकल के ओनर्स जो है उन्होंने शुरू में तो जब ये बेकरी ख़रीदी थी उसका नाम अल रहीम बेकरी रखा था, मगर फिर उनको ख्याल आया कि नहीं, ये बिज़नेस एक रनिंग बिज़नेस है और मिस्किटा ही जो नाम है जिसकी वजह से ये चल रहा है। और यहाँ सदर में जब ये लोग शिफ्ट भी हुए तो इन्होंने इसको मिस्किटा बेकरी के नाम से ही चलाया और आज भी ये इसी नाम से चल रही है और इसी नाम से मशहूर है। और यही एक इसका बहुत अच्छा बंस का टेस्ट वगैरह तो है ही है और उसकी वजह से तो चल ही रहा है, मगर ये नाम भी, क्योंकि ये एक रनिंग बिज़नेस था, इट वॉज़ नॉट वाइज टू चेंज द नेम। और ये मैं ख़रीद रही हूँ इस वक्त हॉट क्रॉस बंस, क्योंकि अच्छा मैंने पहले भी ले लिए थे मगर ये मेरी सेकेंड दफ़ा जो है, मैंने पिछले साल भी लिए थे ये, मैं अब रात को आई हूँ लेने के लिए। ये बहुत अच्छे इनके सेल्स पर्सनस हैं जो मुझसे बात कर रहे हैं, मैं बंस की तारीफ़ कर रही हूँ, वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं, गुड फ्राइडे के एक दो हफ्ते बाद तक भी हम लोग बनाते हैं बिकॉज डिमांड इतना है। तो ये मैंने जो बंस ले लिए हैं ये अब मैं ले जाऊँगी घर में, मैं भी इनको फ्रिज में रखूँगी ताकि लंबा अरसा चल सकें। इनके अंदर बड़ी मज़ेदार किशमिश वगैरह होती है, ऊपर चीनी होती है और बिस्किट का क्रॉस बना होता है जो बहुत बहुत मज़ेदार होता है। हॉट क्रॉस बंस कुछ और बेकरीज भी गुड फ्राइडे के टाइम पे बनाती हैं, बेचती हैं, मगर वो जो है वो सिनेमन बंस होते हैं जो बड़े अजीब मसाले टाइप के मीठे बन में, वो टेस्ट जो है एटलीस्ट मुझे तो पसंद नहीं है। मिस्किटा बेकरी के बन मुझे बहुत सख्त पसंद है, बहुत मज़ेदार हैं
और ये फिर मैं लेके गई घर, और मैंने एक्चुअली तो मैंने किसी के साथ भी शेयर नहीं किए, और जब भी कोई चाय वगैरह का टाइम था तो मैंने यही यही बैठ के खुद ही बैठ के खाए हैं वैसे, और सबको भी मालूम था कि मुझे इतने पसंद है, इसके कोटे से कम नहीं करते, तो फिर उन्होंने मुझे भी खाने दिया। इधर और भी बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स आपको नज़र आ रहा है कि डोनट्स भी हैं और भी छोटी मोटी, ये देखें मिठाइयाँ हैं, और ये देखें इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे फ्रूट के शक्ल के मार्जिपैन के आई थिंक बने हुए फ्रूट बने हुए हैं। और ये हैदर साहब जो है वो मुझे बता रहे थे कि भाई ये भी चीज़ें हैं, मगर मैं तो आई थी हॉट क्रॉस बन के लिए, जो मैंने ख़रीदे और मैं लेके गई, और जैसे कि मैंने आपको बताया मैं सारे के सारे खुद ही खा गई। तो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस एंड नोइंग मोर अबाउट दिस बन। खुदा हाफिज़, बाय बाय। जिसका इंतजार था, ये जो भी आपने देखा, जो सेलिब्रेशन चल रही थी, मैंने ऑर्डर किया था चुलू कबाब, और ये मेरे साथ करीब 8 डेज़ बाय बाय।